टुडे वी विल टीच चैप्टर टू ऑब्जेक्ट्स इन वर्ड 2030। वर्ड 2013 के जो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है उसके बारे में हमें देखना है। वर्ड 2013 अलाउ अस टू इंसर्ट नॉट ओनली टेक्स्ट एंड टेबल इन ए डॉक्यूमेंट बट ऑल्सो वॉट आर कलेक्टिवली कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स वर्ड आर्ट पिक्चर्स एंड टेक्स्ट बॉक्सेस। वर्ड 2013 है वो सिर्फ टेक्स्ट या फिर टेबल का डॉक्यूमेंट है वो ही अलाउ नहीं करता, लेकिन जो ऑब्जेक्ट कई सारे ऑब्जेक्ट्स है, वर्ड आर्ट है, जो पिक्चर है और टेक्स्ट बॉक्सेस है उसको भी इंसर्ट करने के परमिशन देता है। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू इंसर्ट ऑब्जेक्ट्स इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट टू मेक द कंटेंट मोर एक्सपेंसिव एंड इंसर्टिंग। यहाँ पे जो है हम वर्ड का डॉक्यूमेंट है उसमें कई सारे ऑब्जेक्ट्स है वो हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, किस तरह से हम उसको मोर एक्सपेंसिव बना सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे इंसर्टिंग वर्ड आर्ट, जो वर्ड आर्ट है उसको हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो देखिए, वर्ड आर्ट इज़ ए टेक्सटाइल फीचर्स इन वर्ड 2013। जो टेक्स्ट की स्टाइल है, अलग अलग जो अलग अलग स्टाइल होती है उसे कहते हैं वर्ड आर्ट। तो वर्ड आर्ट गैलरी इंक्लूड्स डिफरेंट स्टाइल्स दैट कैन बी अप्लाइड टू एनी टेक्स्ट। वर्ड आर्ट गैलरी है उसमें कई सारी अलग अलग स्टाइल है जो आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। दिस शेप एंड फॉर्मेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड वर्ड आर्ट स्टाइल। उसके जो शेप है, उसकी जो फॉर्मेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है उसे कहते हैं वर्ड आर्ट स्टाइल। उसकी जो स्टाइल है वो अलग तरह की है। देखिए यहाँ पे क्रिएटिंग वर्ड आर्ट। टू इंसर्ट ए वर्ड आर्ट स्टाइल इन योर डॉक्यूमेंट फॉलो दिस स्टेप्स। आप अपनी डॉक्यूमेंट में जो वर्ड आर्ट है उसे आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? प्लेस द कर्सर एट द पोजिशन वेर यू वॉन्ट टू इंसर्ट ए वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट। आपको जिस जगह पे वर्ड आर्ट का डॉक्यूमेंट है, ऑब्जेक्ट है, उसे लाना है, इंसर्ट करना है, तो उस पोजिशन पे आपको कर्सर रखना पड़ेगा। क्लिक द इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में जाके आपको क्लिक द वर्ड आर्ट बटन इन द टेक्स्ट ग्रुप एंड सिलेक्ट ए वर्ड आर्ट स्टाइल। आपको इंसर्ट टैब में जाके, वर्ड आर्ट में जाके उसके जो कई तरह के स्टाइल है वो आपको चूज करना है। अ प्लेस होल्डर अपियर इन द डॉक्यूमेंट। उसमें आप उसमें से जो भी स्टाइल आपको पसंद है वो स्टाइल आपको वो डॉक्यूमेंट में उसको प्लेस करनी है। यहाँ पे देखिए फिगर 2.1 में कई सारी वर्ड आर्ट स्टाइल आपको दिखाई दे रही है। रिप्लेस द प्लेस होल्डर विद द टेक्स्ट यू वॉन्ट इट। आप उसकी जगह यहाँ पे देखिए, जब आप वर्ड आर्ट में कोई भी आपको ऑब्जेक्ट है वो आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए योर टेक्स्ट हियर ऐसे लिख कर आएगा। वो टेक्स्ट में आप जो भी लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट करके आपको जो आपको रिप्लेस करना है आपका टेक्स्ट वो आप रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आई एम लविंग इट। यहाँ पे यू योर टेक्स्ट हियर के बदले आई एम लविंग इट हो गया। आप जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मेटिंग वर्ड आर्ट। आप वर्ड आर्ट को फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं? यू कैन यूज़ द ऑप्शंस अवेलेबल ऑन द फॉर्मेट टैब अंडर ड्रॉइंग टूल्स टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ योर वर्ड आर्ट टेक्स्ट। आप फॉर्मेट टैब में जाके ड्रॉइंग टूल्स में से आप उसकी वर्ड आर्ट का जो फॉर्मेटिंग है वो आप फॉर्मेट कर सकते हैं। देखिए आगे फॉर दिस डू द फॉलोइंग। फर्स्ट सिलेक्ट द वर्ड आर्ट टेक्स्ट। आप जो भी टेक्स्ट में वर्ड आर्ट में जो आप लिखा हुआ है वो आप फॉर्मेट करना चाहते हैं तो वो वर्ड आर्ट टेक्स्ट है वो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, हमने आगे दिखा था आई एम लविंग इट वो वर्ड आर्ट टेक्स्ट है तो वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्लिक द फॉर्मेट टैब। उसके बाद फॉर्मेट टैब में जाके इन द वर्ड आर्ट स्टाइल ग्रुप क्लिक द ड्रॉप डाउन मेनू एरो ऑन द टेक्स्ट फिल ऑप्शन।
उसके बाद वर्ड आर्ट स्टाइल में आपको जो टेक्स्ट फिल ड्रॉप डाउन मेनू में आप क्लिक करेंगे तो आपको टेक्स्ट फिल ऑप्शन आएगा एंड सिलेक्ट अ डिज़ायर कलर। टेक्स्ट फिल ऑप्शन में से आप जो भी कलर चूज करना चाहते हैं वो कलर चूज करके यू कैन ऑल्सो सिलेक्ट ए ग्रेडियंट फिल, आप उसको पूरा कलर से फिल कर सकते हैं। टू चेंज द टेक्स्ट आउटलाइन क्लिक द ड्रॉप डाउन मेनू एरो ऑफ द टेक्स्ट आउटलाइन ऑप्शन एंड सिलेक्ट द डिजायर्ड कलर फॉर द आउटलाइन। आपने जो भी टेक्स्ट में कलर किया हुआ है वो कलर में आप अलग तरह की आउटलाइन देना चाहते हैं तो उसको टेक्स्ट आउटलाइन आपको ड्रॉप डाउन मेनू में से टेक्स्ट आउटलाइन पे क्लिक करना है और उसके बाद आप जो भी कलर की आउटलाइन देना चाहते हैं वो कलर की आउटलाइन दे सकते हैं। इफ़ यू वांट द आउटलाइन टू बी ट्रांसपेरेंट सिलेक्ट नो आउटलाइन, आप उसकी आउटलाइन है वो ट्रांसपेरेंट देना चाहते हैं तो आपको नो आउटलाइन पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। यू कैन ऑल्सो चेंज द थिकनेस एंड लाइन स्टाइल, आपको उसकी थिकनेस और लाइन स्टाइल है वो चेंज करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। टू ऐड ए विजुअल इफेक्ट टू द टेक्स्ट क्लिक द टेक्स्ट इफेक्ट बटन एंड सिलेक्ट द डिजायर इफेक्ट, आप उसके बाद उसमें टेक्स्ट में कोई आप इफेक्ट देना चाहते हैं तो आप इफेक्ट भी दे सकते हैं। तो आपको टेक्स्ट इफेक्ट बटन पर क्लिक करके उसकी जो सारी इफेक्ट है वो आप देख सकते हैं। देखिए 2.7 फिगर में टेक्स्ट इफेक्ट ऑप्शन है, वो सारी इफेक्ट में से आप जो भी इफेक्ट देना चाहते हैं वो आप इफेक्ट दे सकते हैं। टू चेंज द टेक्स्ट डायरेक्शन क्लिक द टेक्स्ट डायरेक्शन ऑप्शन एंड सिलेक्ट द डिजायर इफेक्ट, आप जो भी डायरेक्शन में टेक्स्ट को रखना चाहते हैं वो आप इफेक्ट दे सकते हैं। जैसे कि देखिए फिगर 2.8 में टेक्स्ट डायरेक्शन ऑप्शंस है, हॉरिजॉन्टल है, रोटेशन ऑल टेक्स्ट 90 डिग्री, रोटेशन ऑल टेक्स्ट 270 डिग्री, आप जो भी करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। टू रोटेट द टेक्स्ट क्लिक द ड्रैग एंड द रोटेशन हैंडल, यहाँ पे देखिए आप टेक्स्ट को रोटेशन करना चाहते हैं तो उसके ऊपर एक रोटेशन हैंडल होगा, उसके थ्रू आप रोटेशन को आप टेक्स्ट को रोटेशन भी कर सकते हैं। ठीक है,